अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडियाज बाय उसामा। आज हम पहुंचे हैं अजीज भाई के पास। अजीज भाई जो के कपड़े का कारोबार करते हैं और आज का हमारा टॉपिक भी कपड़ों से रिलेटेड है, यानी क्लॉथ बिजनेस। अजीज भाई से पूछेंगे कि अजीज भाई ने किस तरह ये काम स्टार्ट किया और उन्होंने कितनी इनकम से ये स्टार्ट किया कारोबार। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अजीज भाई क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अजीज भाई, आज का हमारा, जैसे कि आपको मालूम है कि टॉपिक हमारा है क्लॉथ बिजनेस। जी। अजीज भाई, मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये करूंगा कि आपको कपड़े के कारोबार में कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार हुई थी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जो नाजरीन है वो ये पूछते हैं हमसे। सामा भाई, मेरा ना तकरीबन आप कह लेंगे दुकान की तैयारी वगैरह सेटिंग सारी को 3 लाख रुपए खर्चा आ गया था, और तकरीबन मैंने 9-9.5 लाख रुपए का स्टार्ट किया था सारा, यानी अपना कपड़ा वगैरह सारा, जेंट्स लेडीज हर चीज़ तकरीबन 9.5 लाख में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट की थी। 2020 की बात है ये, 2020 में। अच्छा अजीज भाई, सबसे पहले जब आपने अपनी दुकान में सामान डाला था वो कितने का डाला था? वो सामान ही लगाए तो 9.5 लाख रुपए तकरीबन मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में। और अजीज भाई, आपकी दुकान बने को कितनी देर हो गई है? तकरीबन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के करीब हो गया है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त आपकी दुकान में कितने का माल पड़ा हुआ है? समा भाई, ये हम कंफर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि राउंड अबाउट 20-25 के पास अल्हम्दुलिल्लाह होगा, इतना होगा। यानी कि आपकी बात के मुताबिक कि 3 साल में आपने तकरीबन 15 लाख से ज्यादा पैसे कमा लिए? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं, इतने को हम कह सकते हैं। हाँ जी। अच्छा जी अजीज भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि अगर किसी बंदे ने कारोबार शुरू करना है, वो किसी और शहर से ताल्लुक रखता है, तो आप क्या हमें बताएंगे कि कौन कौन से शहर में कौन कौन सी होलसेल की मार्केट्स दस्तयाब है? जी जी सामा भाई, जहाँ हम तो जैसा कि लाहौर में रहते हैं, इस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मार्केट होती है बड़ी बड़ी, कपड़े की हो गई, जूतों की हो गई, मुख्तलिफ जो सा आप जैसा काम करेंगे। हमारे जहाँ के हम लाहौर में रहते हैं, यहाँ पे आज मार्केट है सबसे बड़ी माशाल्लाह मार्केट है। यहाँ से हम ज़्यादातर, यहाँ से जिस तरह भी कपड़ा हम करीब से, यानी कन्वेंस का अगर हम फैसलाबाद से लाएँ, कराची से लाएँ, वहाँ कन्वेंस का खर्चा बहुत आ जाता है। इस टाइम फैसलाबाद से जैसा कि हम ले आए, वहाँ से 15,000 गाड़ी, 20,000 गाड़ी वाला ही मांग लेता है एक चक्कर। यहाँ से हम कोई 5-6 हज़ार में गाड़ी ले आते हैं पिकअप, ये कन्वेंस एक सूट पे पर सूट पे बहुत यानी खर्चा चढ़ जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जिस शहर में कारोबार कर रहे हैं उसी शहर में आपको आज़म मार्केट ढूंढना पड़ेगा, वहाँ उस शहर में मुनासिब आपको कहाँ से कपड़ा मिल सकता है। जैसा कि सामा भाई, लाहौर में ना सबसे बड़ी मेन मार्केट आज़म मार्केट है, फैसलाबाद में कचहरी बाजार है, और इसी तरह मुख्तलिफ रावलपिंडी का राजा बाजार है, और आप मुल्तान का लगा लें पाक गेट है। इस तरह हर शहर की मेन मार्केट होती है वो, जहाँ से आप अपने मुनासिब कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन हमने उसी शहर में मुनासिब देखना होता है हमें। जैसे यहाँ पे गोदाम, लाहौर में काफ़ी गोदामों में भी कपड़ा सेल करते हैं, आपको बेहतर देखना होता है कि आपको यानी बआसानी कन्वेंस का खर्चा भी कम हो, सूट भी मुनासिब मिले, उस हिसाब से हम माल खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में गाइड कर दें कि जो कपड़ा है वो सर्दियों के सीज़न में ज़्यादा मुनाफा देता है या गर्मियों के सीज़न में? नहीं, गर्मियों का सीज़न ये कि समा भाई ज़्यादा थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लंबा होता है बनिस्बत सर्दी से, तो इस वजह से ज़्यादा इसमें माशाल्लाह ईदें भी आ जाती हैं, आपके बड़े सीज़न भी गर्मियों में आ जाते हैं, तो कह सकते हैं कि हम माशाल्लाह गर्मियों का अच्छा सेल हो जाता है, अच्छा कपड़ा चलता है। या के बाद में मिड आ जाती है, मौसम खजा आ जाते हैं, उसमें मोटी कॉटन वगैरह थोड़ा, और जैसे ही दिसंबर वगैरह आ जाते हैं ज़्यादा सर्दी आ जाती है, फिर कद्दर मरीना वगैरह, और गर्मियों की जैसे कॉटन लॉन आ गई, लेलन आ गई, इस तरह के जैसे इनमें मुख्तलिफ ब्रांड आ जाते हैं, जेंट्स में जैसे कॉटन आ जाती है, वाशन वेयर आ जाती है, लेलन इस तरह मुख्तलिफ यानी, और सर्दियों में वूल वगैरह आ जाती है, मोटा कपड़ा आ जाता है, इस तरह मुख्तलिफ सीज़नों के होते हैं। लेकिन ज़्यादा बेनिफिट गर्मी के कपड़े में, क्योंकि इसमें 2 सीज़न भी आते हैं, सबसे मेन सीज़न माशाल्लाह।
अच्छा अजीज भाई, अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो घरों में आपको पता है, सबसे पहले तो आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं। हमारी माएँ बहनें जो स्टूडेंट बच्चे वगैरह जो उनसे हैं वो बिल्कुल बेरोजगार हैं। अगर इनके लिए आप थोड़ा सा पैकेज हमें बता दें कि अगर ये घर से कोई कारोबार कपड़े का स्टार्ट करना चाहें तो आप क्या इनको डिस्काउंट देंगे मार्केट से निस्बत? जी, सामा भाई, हम इंशाल्लाह उनको ये है कि हमारी माएँ बहनें जो हैं घरों में, उनके ये है कि दूर जाएं, सफ़र करें, मार्केटों में धके गए, उससे बेहतर हम उनका लिए ये कर सकते हैं जो हम मार्केट से उठाते हैं और खर्चा वगैरह लगा के बहुत मुनासिब यानी उनको देंगे कि हम भी कारोबार करें, हमारी माएँ बहनें भी कारोबार में इंशाल्लाह। अच्छा अजीज़ भाई, अगर कोई हमारी वीडियो देख के आपके पास राबता करके आए तो क्या आप उसको दिए हुए माल में से कुछ डिस्काउंट करेंगे? जी, सामा भाई, क्यों नहीं, आपके जो आपकी वजह से आएंगे उनसे खास मोहब्बत करेंगे, जो सूट उनको 2 से 3 हज़ार का मिलता है हम 2500 में देंगे उनको, जो 2500 का मिलता है वो 2000 में देंगे इंशाल्लाह, वो उनको कोई 500 के करीब इंशाल्लाह मुनाफा देंगे हम। अच्छा अजीज़ भाई, आप हमें अपनी दुकान की कुछ वैराइटीज़ दिखा दें ताकि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को इस कारोबार से रिलेटेड कुछ पता चल सके और वो इस काम को बड़े आम तरीके से और सिंपल सी पेमेंट दे के काम स्टार्ट कर सकें। जी, सामा भाई, क्यों नहीं, मेरे पास देखें ये बिन सईद का बिन सईद है, ओरिजिनल ये प्रिंट लोन है, इसमें काफ़ी डिज़ाइन है मेरे पास, जैसे प्रिंट लोन, ये सफायर है, ये देखें, ये फैंसी जैसे शादियों पे पहनना हो, फैंसी पैचिस वाला सूट, ये वो चीज़ मिल जाएगी आपको, इस तरह जैसे विस्कोस है, ये चिकनकारी में बड़ी है, हर वैरायटी अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छी यानी ब्रांडेड कपड़ा मिलेगा, ये देखें, ये ब्रोशिया जैकार्ड है सफायर की, ये अलहमदिल्ला बहुत प्यारी चीज़ है, इसी तरह 1000 वराइटीज़ लगी हुई हैं, रेशमी में आप प्योर देख सकते हैं, नेट देख सकते हैं, फ्रॉकें रेशमी में देख सकते हैं, काफ़ी वरायटी अलहमदिल्ला। ये देखें सामू भाई, जैसे ये मैं आपको फैंसी सूट एक खोल के दिखाता हूँ ब्लैक कलर में, माशाल्लाह बहुत प्यारा है, ये डिज़ाइनिंग और कलर, हर कलर का अपना डिज़ाइन है, ये सेम चीज़ नहीं होती, कौन सा कलर, ये देखें माशाल्लाह, ये सूट, ये फैंसी सूट, ये देखें बहुत प्यारा सूट है ये अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें आपको बताऊं बायर 5000 रुपया इसका रेट है, मैं आपको 3500 रुपये का दूंगा, ये इसमें वजह ये है कि ये मेरी अपनी शॉप है, इसमें किराए वगैरह नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा अफोर्ड नहीं है, जिसे आप लेंगे जिसकी मार्केट में 1.5 लाख किराया है, उसने वो किराया निकाल के अपना आपसे प्रॉफिट लेना है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है मेरा घर है, मेरी दुकान है, मुझे किसी ने पूछना नहीं है, किसी ने मैंने किसी का किराया नहीं देना, मैं अलहमदुल्ला आपको 100 200 ना मुझे पता है वो मेरा है, मैं आप मुनाफे दूंगा ना कम दूंगा, और मेरे पास अलहमदुल्ला ग्राहक ज्यादा आता है, ये देखें ये आपको 5000 बाय रेट है, मैं आपको 3500 में दूंगा, ये देखें बहुत प्यारा सूट है, ये शर्ट है इसकी, ये जैसे इसके एम्ब्रॉयडर्ड बाजू है, ये एम्ब्रॉयडर्ड बैग आ जाएगी इसकी, ये देखें ये माशाल्लाह बहुत प्यारा स्टफ प्योर पे, ये इसका माथा पट्टी बनी हुई है, ये इसका दुपट्टा है प्योर पे, ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सूट तैयार होगा, और ये देखें सामू भाई, ये निशात की कॉटन है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा स्टाफ है, ये हम अपने कस्टमर को इसको शिलिंग तक वारंटी देते हैं, शिलिंग करें इसको धो लें, इसका कलर निकल जाए, शाइन ख़त्म हो जाए, ये भाई वापस लेगा अपनी चीज़, पैसे वापस करेगा आपको, तब्दील भी नहीं पैसे वापस करेगा, बहुत प्यारी चीज़ है, ये देखें इसके यहाँ दुपट्टा भी है, इसकी शलवार भी, स्टफ बहुत प्यारा है, इंशाल्लाह शाइन भी इसी तरह रहेगी कपड़े की, आप अगर कलर किसी भी सूट का निकल जाए ये हम इंशाल्लाह तब्दील नहीं करके देंगे, हम पैसे वापस करेंगे, ये लें पैसे भी वापस देंगे, बहुत प्यारा स्टफ है, तो ये देखें ये जैसे लीलन है, लीलन डिजिटल लीलन, ये देखें बहुत प्यारा सूट है, ये भी देखें स्टफ सारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, ये देखें ये फ्रंट है, ये बैक है, ये बाजू है, हम देखें सामा भाई कपड़े चीज़ अच्छी देंगे ना हमारे पास कस्टमर आएगा, वरना एक दफ़ा चीज़ कस्टमर को अच्छी ना दो दोबारा कस्टमर नहीं आता, ये इसी तरह ही है, मुनासिब चीज़ दो, अच्छी चीज़ दो, फिर ही कस्टमर को खुश करना है खुद को नहीं। अजीज़ भाई, सबसे पहले आप अपनी शॉप की हमें लोकेशन बता दें और अपने गोदाम की लोकेशन बता दें।
जी सामा भाई, मेरी लोकेशन है लाहौर एयरपोर्ट के करीब, नज़द फेज़ सिक्स के करीब हमारी शॉप है। अजीज़ भाई, अगर कोई आपसे राबता करना चाहे सूट लेने से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन से लेने से रिलेटेड, तो आप उसको किस तरह मुयस्सर आ सकते हैं? जी सामा भाई, मेरे पास आपके चैनल के थ्रू भी राबता कर सकते हैं, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है जो 24 घंटे इंशाल्लाह ऑन ही होता है। अजीज़ भाई प्लीज़ आप अपना नंबर हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर कर दें। जी सामा भाई, 03-21-410-8449 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और सेल नंबर भी है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑन होता है 24 घंटे। अजीज़ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। जजाकल्ला सामा भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।